हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग्स में. तो गाइज़, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे. तो मैं भी ठीक हूँ. और गाइज़, आज जैसे कि आपको पता है, आज है दशहरा और दशहरे का लास्ट डे. और लास्ट डे में क्या होता है, लास्ट डे में जो है रघुनाथ जी की यात्रा वापस माँ भीमा काली टेम्पल को आएगी. तो यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं दशहरा देखने. तो गाइज़, बने रहिए और इन्जॉय कीजिए मेरे साथ दशहरा फेस्टिवल, रघुनाथ जी की वापसी माँ भीमा काली टेम्पल के लिए. तो बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए दशहरा फेस्टिवल. तो गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं यहाँ दशहरा. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी रश बिल्कुल भी नहीं है और लोग अभी आ ही रहे हैं. तो गाइस, आज मुझे यहाँ दशहरे में मिले हैं एक और ब्लॉगर, ये है शिक्षा धंगल. शिक्षा धंगल ब्लॉग्स, प्लीज़ आप लोग यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए और मुझे भी सब्सक्राइब कर दीजिए. ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. नोटिफिकेशन आप लोग आंटी के चैनल के थ्रू आएंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग अंजू ब्लॉग्स के थ्रू आए हैं. मुझे भी पता चले कि आंटी के चैनल की पब्लिक आई है, मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. तो गाइस, यहाँ पे जो है देवताओं का आगमन शुरू हो चुका है और ये है लांकड़ा वीर जी कल्पा के, और ये अभी राज दरबार में आ चुके हैं और इनके बाद जो देवी देवता जो अभी आने वाले हैं. तो गाइस, ये देखिए, और ये है बुड्ढी के बाल और यहाँ पे है गोलगप्पे यानी कि विटामिन जी. तो गाइस, ये देखिए, यहाँ पे देवताओं का आगमन शुरू हो चुका है और ये है चार ढौरी के देवता, जिनमें से जो है ढंसा, शिंगड़ा और शिनेरी के जो देवता हैं ये आ चुके हैं, और इनके साथ जो लालसा के देवता है वो इन अभी नहीं आए हैं. तो गाइज, इन्जॉय कीजिए दशहरा फेस्टिवल. तो गाइज, ये यहाँ पे जा रहे हैं रघुनाथ जी से मिलने. यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर के अंदर रघुनाथ जी की पालकी है और साथ में है विराजमान है बौनानाग जी और देवता साहिब नीसू जी, और यहीं से ये देवता जी अभी राज दरबार के लिए जाएंगे जहाँ पे नाटी लगती है. बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि आज लास्ट डे है दशहरे का. तो आप देख सकते हैं कि कितना रश है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा रश हो गया है. अभी तो कुछ एक देवते ही आए हैं.
लोगों का
ज़्यादा रश। रघुनाथ जी की रथ यात्रा वापिस यहाँ भी मगर टेम्पल लगा तो प्लीज़ बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे